पहुंचा देता है कि कोई जितने भी 82,000 पुत्र भगवान ने और 2,000 अनंत भंतों ने जो सूत्र कहे हैं उनमें सारा मार्ग विपक्षना और साधना का है। जब जब जिसने इसको अपनाया है वो समाज घर का नहीं, समाज का नहीं, पूरे राष्ट्र का नहीं, पूरी दुनिया का चाहता हो गया है। जैसे आप देख रहे होंगे कि भारत में आपके सामने ये पीपल साहब बैठे हैं, इनको तुमने देखा होगा कि जितने भी इनको जानते हैं इनके प्रति उनको कितनी श्रद्धा जागती है। ये बात बोले मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? जहाँ भी ये जाते हैं वहाँ इनकी विद्वानता के वजह से ही तो इनको सब रेस्पेक्ट करते हैं। और मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि कुछ करें या ना करें, 10 दिन का सीर करने के बाद में इसे लगातार करते रहें तो आप में चमक आ जाएगी। तो नहीं सकता, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितने भी हमारे महान महापुरुष इस तरफ आते हैं वो परमाद में फंस जाते हैं, और परमाद से बचना भगवान का पहला, उन्होंने कहा है कि आलस सारी प्रकृति का जो हम उपयोग करना चाहते हैं सबसे बाधक जो है वो आलस्य है, प्रमाद है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो विद्वानों ने इस पंचशील की व्याख्या की है मैं उसको तो चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी राय दे सकता हूं। क्योंकि पंचशील में जो भी शब्दों का प्रयोग किया गया है वो पाली के शब्द हैं, और जब तक आपको या मुझको पाली के अर्थ का पता नहीं होगा तो बहाव नहीं बनेगा। आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, हिंदी में शब्द होता है और उसका अर्थ होता है और उसके बाद में उसका भावार्थ होता है। बताओ मैं इतना कुछ गलत बोल रहा हूं तो आप बताएंगे? जब तक आपको भाव नहीं पता लगेगा तब तक आपको प्रज्ञा प्राप्त होनी अनिवार्य नहीं माना। ये जो पहला सील है पाणाति पाता, ये ताली का शब्द है, इसका हत्या से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। ये तीन शब्दों से बना है जो आपको प्राप्त होती थी, और आज तो 10-10 बजे तक सोते हैं। हमने ऐसा सुना है और देखा भी है कि अगर बच्चा या कोई घर में सो रहा है और सूरज उग रहा है तो उसकी खाट से एक बार से पानी गिर दे जिससे उसको भाग जाए। तो दूसरा सीन जो है अदिन्ना गाना बोलते हैं, मध्य वर्ग एक बोलते हैं उसको तीसरे श्रेणी में बोला जाता है। आप किसी दुकान पे गए, आपने कहा तोरी क्या भाव की है, उसने कहा 20 रुपए, उसने आपने 20 रुपए दे के और खटाकर तोरी ले ली, तो ये उत्तम करके में आता है। आप गए उसके पास और उसने कहा कि तोरी क्या भाव की है, उसने कहा 20 रुपए, अरे सही लगा ले, ये मध्य दर्जे में आता है। और
किलो टोल दे लेके चल दिया। इस पैसे फेर दो मत, ये निकाह सुनाता निकाह सुनाता। तो ये दो किलो का मैं आपको बताया है, और तीसरा सी है कामेश्वर मिथ्याचारा। कामेश्वर मिथ्याचारा का मतलब पराई स्त्री से कोई मतलब नहीं। कामेश्वर अपने स्त्री हो पराई स्त्री हो, कामेश्वर हमेशा जहां जहां काम इंद्रिय पांच हमारी काम इंद्रिया है, जहां जहां आपको कामेश्वर हो रहा है उनसे बचने के लिए बोला गया। ये ध्यान कर ले, और अगर आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको बाद में नंबर दूंगा और आप डिस्कशन कर लें इस पर, या आप पढ़ाई कर लें। बिना पढ़े बिना जाने बिना समझे तो पता लगने का नहीं। और इसमें तुमने देखा होगा व्यक्ति कामेश्वर आंख से भी कर सकता है, जुबान से भी कर सकता है, और सुनने से भी जो है पांच इंद्रिया जो है इनमें जहां जहां काम वासना जागती है उनसे व्रत रहने की बात है। ये बात भली प्रकार समझ लें, इनसे बचना है। और चौथे सील में बताया गया है कि मूसा वादा, इसमें चुगली से प्राप्ति की बात नहीं है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को जो व्यक्ति बोल रहा है उसको शुद्ध वाणी रखनी चाहिए अपने, और सदा सत्य बोलना चाहिए। इसका यह अर्थ होता है, इसका मुक्त काम से कोई मतलब नहीं लेना देना नहीं। और पांचवा जो सील है वो है सूरा मेरे मध्य समाधि स्थान। देखिए इसमें समाज भी आया है, और जितने नशीले वस्तु हैं वो सारे ताकत से परमाधि पे लागे हैं। किन्हीं से बचना है? परमात्मा आप ज्यादा भोजन कर लोगे तब दिया जाएगा, लेकिन बचना परमाद से है। जो जो परमाद के समान है उनको व्रत रहना है उनसे, और इन भक्तों के बाद नमो बुद्धा जय हो।